कमर में हुआ दर्द वाली में। देखिए दोस्तों कैसे ना तो फाइनली आर्यन जा चुका है स्कूल और आज तो बिल्कुल भी नहीं रहा, बड़े हैप्पीली स्कूल गए। इधर पियाजी को देखिए, यह राजस्थानी सूप बाजरे का, तो राबड़ी पी रहे हैं। तो राबड़ी हैदराबाद में तैयार कर दिया है दोस्तों इन्होंने। ये थोड़ी सी राबड़ी बनाई थी, आज हमने छाछ की है दोस्तों, ये निकाला है घी और छाछ की राबड़ी बना ली है। गुड इवनिंग, तो फाइनली शाम हो चुकी है, अभी बज चुके हैं 5:30 और मैं बनाऊंगी अभी चाय। और इधर मैंने चढ़ा दी है चाय, तो चाय मेरी बन चुकी है। इधर सब्जी में आज आलू बने। दोस्तों चाय पानी लेके आ चुकी है जिया। थैंक्स जिया। छत पे आ गए, छत पे खेल रहे थे। कितनी सुंदर बीवी हो ना, आदमी का मन खिला खिला रहता है। खेल रहा है इनके डैडी जी के साथ, आज छुट्टी है इनकी। कुछ इस तरीके से इनकी मस्ती चल रही है। और गांव से आने के बाद में आज आर्यन पहली बार आया है छत पे। इसकी माता कैसे मनीवार करती है, इतना करता है। खा लो बेटा, अरे खा के दिखते चाय पी ले अपनी। करता है दोस्तों, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप खा लो इसको, कभी छोटे बच्चों के साथ रहा नहीं। इसकी माता इसका बहुत ख्याल रखती है, क्यों मोटी। इधर से हो चुकी है गुड इवनिंग और इसकी जस्ट अपोजिट ये देख ली चंदा मामा। बंद कर रोटी को। दोस्तों कैसे टंकियों में लबसती हुई पानी के लिए, देखो इतनी भी मत लबस। इसको नहीं करना भाई। तो यहाँ छत के ऊपर अंधेरे में रातों को सब्जियां बंद आती हुई, अभी रात छोटे दिन होते हैं तो हो गई। हाँ अभी चलते हैं दोस्तों। आर्यन अभी क्या खेल रहा है बेटा, तो दूध होगा गरम, अभी लेके आया वो, आज भूल गया था, ऑफिस गया नहीं ना। इन लोगों की खुशी में खो गया दोनों में। ऑफिस जाते थे तो उधर से लेके आते थे, अभी लेके आया थोड़ा लेट हो गया। और आर्यन को तो मैंने खाना खिलाया। आज बनने वाला है स्पेशल खाना, कुछ क्या बनाएगी मोड़ी आज, अभी वीडियो में दिख जाएगा आपको। और सब्जी बनाई है क्या, खट्टी दासू खट्टी नहीं है, इसमें खुशबू बहुत शानदार आ रही है। आलू की सब्जी है, आलू की आज 2 तरह की सब्जी बनाई है मैंने। वाह, तो ये मैंने देखो बाजरे का आटा ले लिया है, ओनली 1 रोटी का ही लिया है। तो प्रैक्टिस करती हूँ बना के, देखिए कैसी बनती है गैस पे। आज बना रही है बाजरे की रोटी। पानी 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 पानी, क्या पता दोस्तों इसके आटे को लगाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा लगा के तुरंत 1 रोटी तैयार की जाती है। लस्सड़ की देके, लस्सड़ की दूंगी मैं, क्या थोड़ी घी लगाने और लग रहा है ना। वैसे जिया को आती है अच्छे से बनाना। बात बाबू को मैंने खिला दिया है खाना ऑलरेडी। रोटी बना रही हूँ, आपको खाना है बिल्कुल नहीं खाना। ये नहीं खाता बाजरा वाजरा कुछ भी। पिया जी ने बोला था दोस्तों मेरे को, मेरी इच्छा होती रहती है, मुझे अच्छी लगती है। से हम आ रहे थे ना तब बोला था, हम हमारे घर गए थे तब भी इन्होंने तो बाजरे की रोटी खाई थी। तो ये बोले मेरे को बड़ी इच्छा होती है, तो मैं इन्हीं के लिए लेके आई हूँ स्पेशली ये बाजरे का आटा। और इसलिए मैंने मोल्डिंग में वो भी बनाया है। भी तक गया है ये रोटी, स्पेशली सिर्फ मिट्टी के तवे पे बनाई जा सकती है दोस्तों, लोहे के पे बनाना नामुमकिन है। नहीं उसको चिपक जाती है, उसमें नहीं बनती, इसकी सिकाई अच्छे से होनी चाहिए बिल्कुल। ये बन गया है इसका सासा। पतली बनाऊंगी, क्या पता। हाँ ज्यादा मोटी मत रखना इसको, वैसे मैं रोटी है बिल्कुल चूल्हे के ऊपर तो अच्छी बन जाती। ज्यादा ही पतली मत करना, कहीं फट जाएगी फिर उसके ऊपर। कुछ इस तरह से सजा दिया गया है। ये मकड़ी है। प्रोसेसिंग स्टार्ट। हम ऐसे भी नहीं हटा सकते इसको है ना, इस गीले चूल से ऐसे उथेला जाता है। तो कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, सीखी होगी क्या। वाओ कैसी सीख रही है, अच्छी तो सीख गई है दोस्तों, अच्छी सीखी है इधर से। तब गैस थोड़ी फुल रखना, तो देखती हूँ मैं आटा तभी निकालूंगी जब ये अच्छी बनेगी तभी। ऐसे नहीं निकालूंगी तो पहले एक से एक के ट्राई कर रही है क्या बाबू मेरे को पिलाओ। दोस्तों इस बच्चे को चिया आ रही है बहुत ही ज्यादा। रोटी को संभाल लेना। देखता हूँ दोस्तों तो एक ऊपर सीख पाती है कि नहीं। वैसे आग के ऊपर सेका जाता है। बनाई लेती हूँ, मेरे को उम्मीद है दोस्तों बन जाएगी। इसके लिए मैं लेके आई हूँ, बन जाएगी। इतना सही लेके आए थे। और बाजरे का सूप बना लेते हैं सुबह सुबह, राबड़ी बोला जाता है उसको। दोस्तों थोड़ा सा गीला होता हुआ आटा। अच्छा और गेहूं की रोटी हुई ठंडी बाजरे के चक्कर में। कितना टाइम लगने वाला है जिया? बस 2 मिनट चाहिए। दोस्तों ये रहने वाली है सब्जी बहुत ही शानदार और बाजरे की रोटी आज बनाएगी रानी। पालक की यहाँ पे सीख जाएगी, सीख जाएगी। फूल गई तो समझ लेना सीख गई, नहीं तो नहीं सीखी। और फूल तो ये तो सीखे रे। दोस्तों आखिरकार जिया हुई कामयाब बाजरे की रोटी खिलाने में अपने पिया जी को। क्यों डी? हाँ। दोस्तों बाजरे की रोटी है ना गर्म-गर्म अच्छी लगती है। मैं तो साथ ही खा लेंगे तो क्या दिक्कत है। ये सब क्या हो चुकी है दोस्तों रेडी। और ये है देसी घी, इसमें आज घी भरा जा रहा है। आज ही बनाया था घी भी सुबह ही, ज़्यादा ही भर गया। वो बाप रे, इतना भी मत करो प्लीज। तो मैंने फाइनली कैसे भी करके 2 रोटी बना ली है बाजरे। ये तो और भी शानदार है। और अब गर्मा गर्म भी अच्छी लगती है बाजरे की रोटी। तो अभी हम खाना खा लेते हैं फटाफट। और दोस्तों शहर में रह के भी आज मैंने पिया जी को दिया देखो देसी खाना। बाजरे की रोटी है एंड देखिए देसी घी है। छाछ बना के निकाली थी आज मॉर्निंग में। मैं बहुत खुश हूँ इस देसी खाने के साथ। आज चलते हैं हम, चलो ठंडी हो जाएगी नहीं तो। चलो जल्दी लेके चलो, खा लेते हैं दोस्तों। ठीक है मैं रोटियाँ उठा लेता हूँ। दोस्तों ये सारे दिन पहले कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है ना? पहले ढाप चुका हूँ बाहर रहा क्या। तो दोस्तों फाइनली मैं सभी कामों से फ्री हो गई हूँ। दूध वगैरह सब जमा दिया है, बर्तन वगैरह मतलब ऑल इन वन सारे काम कर लिए मैंने। तो अभी हम सोएंगे दोस्तों। क्या हुआ मोदी? मिस्ट्रिंग में इस वाली में देखिए दोस्तों कैसे ना खींचा। ये मरने वाली है शायद, कभी भी हो जाता है इसके। सीधी सो, सीधी सीधी सो, ऐसे सो बेड पे सीधी। नस में खींचा हुआ गया क्या पाँव वाली में? कभी कभी आ जाता है इसके। तो सो तो ऊपर ना तो सारा यहाँ नीचे ही पड़। 2 मिनट रुक जाओ प्लीज प्लीज, मार से बोलो मत थे बिल्कुल भी। ओ बहरे देखो एक सब तो एक अच्छा नहीं कहीं सुधरता हो जी। ये होने को पाग में वो घरा भी हो जो हमारे 1-2 बार गूंड घरा भी। अब कैसा लग रहा है? आराम मिला के थोड़ा ठीक लग रहा है। दोस्तों गर्म कपड़े से सुताई की है इस पाँव की। इस पाँव को तुड़वा दूंगा यहाँ से। ये नशे से क्यों खींचती है? हैमस्ट्रिंग खींचा बोलते हैं तो क्रिकेट खेलने वालों क्या आता है। मैं भी सारे दिन पड़ी रहती है यहाँ पे इसलिए आएगा। अब भी आराम नहीं मिला क्या? सारे दिन दोस्तों बच्चे को सुलाना, इधर कुछ सोने की तैयारियाँ कर रही है। सोने की कर रही है तैयारियाँ। पाँव में दर्द टूट के बच गया, टूट गया। ठीक है ठीक है, अभी हो रहा है मेरे को। सॉरी मुझे मालूम नहीं था। अब आपने सॉरी सॉरी सॉरी। चल अब नहीं करूँगा। आजा आजा आ रहे बेटो, आज मम्मा को सुलाएंगे। पाँव में दर्द हो गया मम्मा के। हाँ ये डेढ़िया चमचा पता रही सारे दिन ही मकड़ियाँ देखता रहता है। देखो टीवी में मोटी मोटी रिलैक्स हो जा। अभी रिलीफ नहीं मिला क्या? दोस्तों अभी तो ठीक लग रहा है लेकिन वो 5-7 मिनट तक तो ना उस दर्द का ही मालूम है। हाँ वो ऐसे होता है, नस खिंच जाती है ना। नेक्स्ट पार होएगा ना तो नस खिंच जाती है पाँव की। हम वो अचानक से खिंच जाती है, पता ही नहीं रहता क्यों होता है ऐसे। मैं वो लेके आऊंगी क्या होता है वो लगाते है ना मालिश करने की। आती है दर्द खींचने की दवाई। हाँ दर्द खींच और बाबू आज चलो आ जाओ, सो जाओ, मम्मा सो रही है। देख लो मम्मा के अभी पेन हो गया था। आजा बेटा, फालतू के ब्लॉग वीडियो आज बेटो इधर चलो आजा, मम्मा सुलाएगी आपको। हाँ मुझे फोन देखना है, इधर तेरा फोन निकालो, अभी सारे दिन फोन देखेगा। चलिए यहाँ मेरे पास मम्मा देगी फोन, आजा करेगा अभी अपनी मम्मा के फोन के लिए कैसे होके बैठ जाता है। फोन दूंगी आजा, फोन देगी मम्मा देगी, फोन की आदत छुड़ानी पड़ेगी बहुत जल्दी। यहाँ पे दर्द हो गया अभी पैर में, चलो मम्मा से प्यार करो। इसके पैर में दर्द है, इसको फोन चाहिए। सोने के टाइम में भी कैसे नखरे करते हैं मेरे पास।